दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन जो सच है वो पूरा आपके सामने है। लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, हुंडई i10 निया स्पोर्ट्स मॉडल में 29 से 30 का माइलेज दिखा रहा है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में 29 से 30 माइलेज वो फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन मिनिमम 29 से माइलेज इसका कम हो नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ट्रिक्स मैंने अप्लाई किया जिसके वजह से इसका जो माइलेज है 29 के ऊपर ही बता रहा है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हाईवे है विदाउट ट्रैफिक हाईवे है, कंटिन्यू मेरा कार चल रहा है, कहीं पर भी ट्रैफिक वगैरह लगा नहीं अभी तक, तो मेरा ये इसका जो माइलेज इतना दिखा रहा है। लेकिन कंपनी जब क्लेम कर रहा है इसका जो हाईएस्ट माइलेज है पेट्रोल मॉडल का, उसका हाईएस्ट माइलेज है 20 से 21 तक इसका हाईएस्ट माइलेज रहता है, लेकिन मेरा कार में ऐसा क्या हो गया जो इसका माइलेज डायरेक्ट 29-30 तक दिखा रहा है, ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये वीडियो का एंड तक आप जरूर बने रहिए। तो वेलकम टू माय चैनल शिवा स्मार्ट टेक। दोस्तों ऐसा क्या मैजिक हो गया कि हुंडई i10 नियस में डायरेक्ट 29-30 का माइलेज बता रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा जी का ठुल्लू, ऐसा कुछ भी 29 से 30 का माइलेज आता नहीं है हुंडई i10 नियस में, आता है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। तो ये पूरा सच है, पूरा रियल वीडियो है, आ रहा है। ये कैसा आ रहा है इसका डिटेल्स में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये हुंडई i10 नियस में एक ऐसा क्या सिस्टम है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, सिर्फ मेरा कार में नहीं है, मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स का पास हुंडई i10 नियस कार है, तो सारे कार में मैं ये टेस्ट कर चुका हूं। ये कार में जब इंडियन ऑयल का पेट्रोल हम लोग डालते हैं ना, इंडियन ऑयल का पेट्रोल हम लोग डालते हैं, इसका माइलेज अचानक से मैजिक हो जाता है डायरेक्ट। अगर आप कंटिन्यू हाईवे में विदाउट ट्रैफिक में चला रहे हैं तो इसका माइलेज डायरेक्ट चला जाता है 29-30, अरे कभी कभी तो 32 तक चला जाता है, अजीब हो जाता है, इतना माइलेज दिखाता है। और जब भी आप HP का पेट्रोल डालते हैं, इस ये कार का सेंसर का क्या दिमाग खराब हो जाता है, आपको तो आधा एक घंटे तक पेट्रोल का इंडिकेटर रहता ना, वो दिखाएगा ही नहीं। आप सच में पेट्रोल डाले या वो आपको झूठ बोल दिया पेट्रोल वाला, वो कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ दिखाता ही नहीं है। इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या वो पेट्रोल में क्या कंटेंट रहता है, कैसा क्या रहता है, कैसा रीड करता है हुंडई i10 नियस का जो पेट्रोल सेंसर, वो क्या मालूम, मुझे भी इतना मालूम नहीं। लेकिन ये मेरा कार में नहीं है, मैं और एक बार बता देता हूँ कि मेरा सारे फ्रेंड्स का कार में सेम इशू है। और कभी कभी रिलायंस पेट्रोल पंप में मैं ज़्यादा नहीं, एक दो बार डाला था, उसका जब पेट्रोल हम लोग डालते हैं, इसका जो रिलायंस का भी वही सेम इंडियन ऑयल का जैसे दिखाता है, लेकिन इतना ज़्यादा माइलेज नहीं दिखाता है, करीब 22-25 तक चला जाता है, हाईएस्ट 25 तक चला जाता है, लेकिन रिलायंस में भी ऐसा थोड़ा सा इंक्रीज बताता है। और HP का जब हम लोग डालते हैं ना, जैसे बताया कि उसमें इंडिकेटर तो दिखाता नहीं पेट्रोल इंडिकेटर, ऊपर से इसका माइलेज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। HP का पेट्रोल में भी क्या कंटेंट है मुझे भी मालूम नहीं इतना डिटेल्स, लेकिन उसमें भी माइलेज कम हो जाता है, जैसे इंडियन ऑयल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ऐसा HP में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर आपका कार में भी ऐसा कुछ इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा डाउट अभी तक जो है वो डाउट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। और साथ ही दोस्तों हुंडई ने, आप कुछ दिन पहले सुने होंगे, उसका जो हुंडई पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट से जैसे ट्वीट किया था, बेकार का ट्वीट किया था, उसके लिए हुंडई को एक बार मन से ज़रूर गाली दीजिए कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ आप गाली फाली मत दीजिए, लेकिन मन पे इसको साले को एक बार गाली ज़रूर दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा और फनी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।